हेलो स्टूडेंट, नाउ आई टीच यू द सिक्स लेसन ऑफ कंप्यूटर। लेट्स वर्क इन वर्ड। दिस इज फॉर क्लास थर्ड। वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन दैट अलाउज यू टू क्रिएट ए वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स, पोएम्स, स्टोरीज, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। यू कैन ऑल्सो एडिट, फॉर्मेट, सेव एंड प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट। वर्ड ये जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग पहले चिट्ठी लिखते थे ना, पोएम वगैरह लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, रिपोर्ट्स लिखते थे, जैसे नोटबुक में या किताबों में, वो सारा चीज़ हम लोग इस वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में कर सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ लिखने के बाद उसको एडिट करना है, कुछ सुधार करना है, हाँ, उसको सेव करके उसको प्रिंट करना है, उस डॉक्यूमेंट को, वो सारा काम इसमें हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग कॉपी में लिखते हैं या किताबों में लिखते हैं, वो सारा काम इसमें हम लोग लिख सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं और डिज़ाइनिंग भी बना सकते हैं। अब कैसे वर्ड को स्टार्ट करेंगे? टू स्टार्ट ए वर्ड विंडो फॉलो द गिवन स्टेप। नीचे के जो स्टेप दिया है इसको हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द ऑल एप्स ऑप्शन, द लिस्ट विल अपीयर। फिर हम लोग वहाँ से ऑल एप्स पे क्लिक करेंगे, एक लिस्ट आएगी। फ्रॉम द लिस्ट क्लिक ऑन वर्ड एप्लीकेशन। उस लिस्ट से हम लोगों को वर्ड पे क्लिक करना है। इन फ्यू सेकेंड ए वर्ड डॉक्यूमेंट विल ओपन अप, और कुछ ही सेकेंड में एक वर्ड के ऐसे पेज, एक विंडो आ जाएगी। पार्ट्स ऑफ ए वर्ड विंडो। आप इस वर्ड विंडो के कहाँ कहाँ कौन सी पार्ट है वो जानेंगे। वेन यू ओपन वर्ड द स्टार्ट स्क्रीन ऑफ वर्ड विल अपीयर। जब हम लोग वर्ड को ओपन करेंगे एज एक स्टार्ट किन आएगा। यू कैन लोकेट एंड सिलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट टू एक्सेस द वर्ड इंटरफेस और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंडो। वहाँ से जाके हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट या ब्लैंक मतलब खाली खाली डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे तो एक ऐसा ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देगा और उसमें हम लोग अपना काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा देखो इसका हिस्सा है, इसमें दिया है ये टाइटल बार है, ये सब टैब्स है, ये ऊपर ये क्विक एक्सेस टूल बार, इसको कर्सर, ये छोटा सा लाइन जो ब्लिंक करता है इसको कर्सर कहते हैं, और ये डॉक्यूमेंट एरिया जहाँ पे हम लोग लिखते हैं, और ये रूलर, इससे हम लोग पेज का सेटिंग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका बहुत सारे पार्ट्स है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये स्क्रॉल बार है, इससे हम लोग क्या करते हैं, पेज को ऊपर नीचे करते हैं, और ये नीचे स्टेटस बार, इसमें जो काम भी हम लोग करते हैं उसको दिखाता रहता है। अब इसको धीरे धीरे जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले टाइटल बार। दिस बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ वर्ड विंडो। इट शोज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन विच वी आर करंटली वर्किंग अलोंग विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम वर्ड। ये टाइटल बार जो होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस फाइल को बना रहे हैं उसका नाम डालते हैं ताकि हम लोगों को आसानी से खोज के मिल जाए कौन सा चीज़, कौन सा फाइल हम लोग बनाए हैं। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार, ये है क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें देखो दिखाया जा रहा है। दिस टूल बार इज लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो। ये वर्ड विंडो के एकदम लेफ्ट साइड में ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इट कॉन्टेंस शॉर्टकट्स ऑफ कॉमन कमांड्स, सेव, अनडू एंड रीडू कमांड। इसमें शॉर्टकट में कुछ कमांड्स रहता है, जैसे हम लोगों को सेव करना है या अनडू करना है या रीडू करना है, वो कमांड्स हम लोगों को इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट है रिबन। इट इज प्रेजेंट बिलो द टाइटल बार। रिबन कहाँ पे रहता है, ठीक टाइटल बार के नीचे। ये देखो ये रिबन है। इट कंसिस्ट ऑफ कमांड्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप। इसमें बहुत सारे कमांड्स भी रहते हैं, कमांड मतलब आदेश। दिस ग्रुप्स आर फर्दर ऑर्गेनाइज्ड अंडर टैब्स। और वो जो ग्रुप्स हैं वो एक एक टैब्स के अंदर और भी उसके सब मेनूज रहते हैं। यू विल यूज दिस टैब्स टू परफॉर्म मोस्ट कॉमन टास्क इन वर्ड। और उन्हीं सब चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं,
वार्ड में जो भी काम करना होता है वो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूलर। रूलर इज लोकेटेड एट द टॉप एंड टू द लेफ्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, एकदम ऊपर और लेफ्ट के साइड में हम लोगों का ऊपर और लेफ्ट के साइड में ये डॉक्यूमेंट के रूलर रहता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं कि कहाँ से हम लोगों को लिखना शुरू करना है, कहाँ तक लिखना है। रूलर मेक्स इट इजियर टू एडजस्ट डॉक्यूमेंट विथ प्रिसिशन। इफ़ यू वांट यू कैन हाइड द रूलर टू क्रिएट मोर स्क्रीन स्पेस। अगर हम लोगों को ज़रूरत है कि इस पेज को और बढ़ा दें तो हम लोग इसको हाइड छुपा सकते हैं, तो हम लोगों के पेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और रूलर सेट रहेगा तो जहाँ पे रूलर को हम लोग सेट करेंगे वहाँ से लिखना शुरू होगा और वहाँ पे जाके ख़त्म होगा, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया, ये है डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया मतलब जहाँ पे हम लोग अपना काम करते हैं, लिखते हैं। इट इज़ ए जैसे कॉपी में हम लोग लिखते हैं ना सफ़ेद पेज या जिस भी पेज में, तो जिस जगह पे हम लोग लिखते हैं उसको डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। इट इज़ ए लार्ज वाइट ब्लैंक एरिया विच इज़ यूज टू टाइप टेक्स्ट। द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इन दिस एरिया इज कॉल्ड कर्सर। और डॉक्यूमेंट एरिया में एक ऐसा छोटा सा लाइन क्या करता है, नाश्ता रहता है, उसको हम लोग कर्सर कहते हैं। स्टेटस बार, ये नीचे देखो स्टेटस बार दिया है। दिस बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ वर्ड विंडो, इट शोज द स्टेटस ऑफ योर डॉक्यूमेंट सच एज करेंट पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ वर्ड्स। इसमें बहुत ढेर सारा इंफॉर्मेशन रहता है, जैसे किस पेज में हम लोग काम कर रहे हैं, पेज नंबर रहता है, कितना वर्ड हुआ है उस पेज में, वो भी शो करता है। उसके बाद है स्क्रॉल बार, ये है। दिस बार हेल्प्स यू टू नेविगेट थ्रू द डॉक्यूमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बार्स, वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल। दो तरह का स्क्रॉल बार रहता है, एक इधर रहता है, एक इधर रहता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज को ऊपर नीचे हाँ दाहिने बाएं इसको हम लोग हटा सकते हैं। अब हम लोग क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट, कैसे कोई डॉक्यूमेंट हम लोग लिखेंगे उसके बारे में जानेंगे। टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप, सिलेक्ट द फाइल टैब। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फाइल टैब में जाके हम लोगों को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक बैकस्पेस व्यू आएगा, सिलेक्ट न्यू, एक उसमें न्यू ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो हम लोगों को ऐसे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखने के लिए आ जाएगा। ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल अपीयर, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम लोगों को मिल जाएगा, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। टाइपिंग टेक्स्ट इन वर्ड, अब हम लोग वर्ड में कैसे टाइप करेंगे वो जानना है। व्हेन ए न्यू डॉक्यूमेंट इज ओपन यू स्टार्ट टाइपिंग योर टेक्स्ट फ्रॉम वेयर द इंसर्शन पॉइंट अपीयर्स। जहाँ पे हम लोगों के कर्सर रहेगा वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टाइप करना शुरू करेंगे। हेयर आर गिवन फ्यू रूल्स फॉर टाइपिंग, कुछ नियम कानून दिया हुआ है नीचे। गिव सिंगल स्पेस यूजिंग स्पेस बार इन बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड के बीच अगर गैप देना है तो हम लोगों को कीबोर्ड में जो स्पेस बार है उसको प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस एंटर की ऑन योर कीबोर्ड टू बिगिन ए न्यू पैराग्राफ, नया पैरा शुरू करने के लिए हम लोगों को एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट टू चेंज द लोकेशन ऑफ इंसर्शन पॉइंट, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द लोकेशन वेयर यू वॉन्ट टू प्लेस इट। अगर हम लोगों को इंसर्शन पॉइंट या कर्सर का लोकेशन चेंज करना है तो हम लोग जिस जगह पे हम लोगों को ले जाना है कर्सर को वहाँ जाके क्लिक करेंगे तो वो कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा। यू कैन यूज़ एरो कीज टू मूव द इंसर्शन पॉइंट, हम लोग एरो कीज से भी इंसर्शन पॉइंट को हम लोग हटा सकते हैं। कीप द कैप्स लॉक की ऑफ, कैप्स लॉक की को ऑफ करके रख सकते हैं। इन केस यू विश टू टाइप वन और टू कैपिटल लेटर्स इन बिटवीन इंस्टेंट यू शिप की अलॉन्ग विद अल्फाबेट की, कैप्स लॉक की को ऑन कर ऑफ कर देंगे तो हम लोगों का क्या होगा, स्मॉल में सब कुछ राइटिंग होगा। अगर हम लोगों को पूरा कैपिटल में लिखना है तो कैप्स लॉक की को ऑन करेंगे। अगर मान लीजिए कि हम लोगों को बीच बीच में कैपिटल टाइप करना है तो हम लोग क्या करेंगे, शिप की के साथ उस अल्फ़ाबेट को दबाएंगे तो कैप्स लॉक ऑफ होने के बाद भी हम लोग कैपिटल लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेविंग ए डॉक्यूमेंट, कैसे डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। लिखने के बाद उसको सेव नहीं करेंगे तो डिलीट हो जाएगा ना और मिलेगा नहीं, इसलिए सेव करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव योर डॉक्यूमेंट वेन एवर यू स्टार्ट ए न्यू डॉक्यूमेंट और मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग वन। कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे जब कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हम लोग चालू करेंगे। सेव करने के लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा, टू सेव ए डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप,
सबसे पहले क्लिक ऑन फाइल टैब, फाइल टैब में जाके हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन सेव ऑप्शन फ्रॉम द अपीयर सब मेनू, वहाँ पे सेव ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना है। इफ़ यू आर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम द सेव एज पैन विल अपीयर इन द वेक्टर्स व्यू। अगर पहली बार हम लोग किसी भी फाइल को सेव करेंगे तो सेव एज ऑप्शन आएगा और उसमें एक क्या होगा, बैकग्राउंड में एक व्यू दिखाई देगा, मतलब एक स्क्रीन आ जाएगा। यू विल देन नीड टू चूज वेयर टू सेव द फाइल एंड गिव इट ए फाइल नेम। तब हम लोगों को जो फाइल हम लोग बनाए हैं उसका नाम देना पड़ेगा, किस नाम से हम लोग उसको सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू सेव द डॉक्यूमेंट इन योर कंप्यूटर, सिलेक्ट दिस पी सी, देन क्लिक ऑन ब्राउज, ब्राउज द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सिलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वॉन्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट का नाम देना पड़ेगा, फिर सेव एज डायलॉग बॉक्स में जाके कहाँ पे हम लोग उस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं उसका नाम देना पड़ेगा। एंटर ए फाइल नेम फॉर द डॉक्यूमेंट, देन क्लिक ऑन द सेव बटन। फिर जो फाइल है उस फाइल का नेम देकर हम लोगों को सेव बटन दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सेव और सेव एज, ये दो जो ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या है, वर्ड ऑफर्स टू वेज टू सेव ए फाइल, दो तरह से हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एंड सेव एज से। सेव से क्या होगा, व्हेन यू क्रिएट और एडिट ए डॉक्यूमेंट यू विल यूज द सेव कमांड टू सेव योर चेंजेस। अगर हम लोग पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना के रखे हैं उसमें अगर हम लोगों को कुछ नया कुछ डालना है तो सुधार करना है तो हम लोग तब क्या करेंगे, सेव ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। When you save a file, first choose a file name and location, then click on save command to save it. जब हम लोग कोई भी फाइल को सेव करेंगे तो पहले फाइल नेम पसंद करेंगे, फिर किस जगह पे उसको सेव करना है उसको पसंद करेंगे, फिर सेव कमांड को क्लिक करेंगे। और सेव एज ऑप्शन से क्या होता है, यू विल यूज दिस कमांड टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट वाइल कीपिंग द ओरिजिनल। सेव एज ऑप्शन से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट अगर पहले से बना के रखे हैं उसका दूसरा अगर कॉपी बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेव एज ऑप्शन को यूज करके उसका दूसरा कॉपी बना सकते हैं। और कोई भी जब डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट करेंगे, बनाएंगे या एडिट करेंगे तब हम लोग सेव का इस्तेमाल करेंगे। ओपनिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट हम लोग बना चुके हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इन एडिशन टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट यू विल ऑफन नीड टू ओपन ए डॉक्यूमेंट दैट वॉज सेव्ड प्रीवियसली। कुछ अगर हम लोगों को ऐड करना है या कोई नया डॉक्यूमेंट हम लोगों को लिखना है या कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट पहले से बना है हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को खोलने की ज़रूरत हो सकती है, तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप। तो हम लोग कुछ स्टेप फॉलो करके ये काम कर सकते हैं। नेविगेट टू बैकस्टेज व्यू, देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। हम लोग ओपन ऑप्शन में जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कंप्यूटर, देन क्लिक ऑन ब्राउज, द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। हम लोग कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्राउज ऑप्शन में जाके हम लोग ओपन डायलॉग बॉक्स को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो हम लोगों के लिस्ट पूरा जो है वो आ जाएगी। लोकेट एंड सिलेक्ट योर डॉक्यूमेंट, तब हम लोगों को खोजना पड़ेगा कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोगों को खोलना है और उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन क्लिक ऑन ओपन बटन, फिर ओपन बटन में हम लोग क्लिक करेंगे। इफ़ यू हैव ओपन द डिजायर्ड डॉक्यूमेंट रिसेंटली यू कैन ब्राउज योर रिसेंट डॉक्यूमेंट रादर देन सर्च फॉर द फाइल द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट विल अपीयर। अगर हम लोगों रिसेंटली कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग खोलना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी डॉक्यूमेंट को जाके खोज सकते हैं, फाइल नेम देकर हम लोगों को बहुत आसानी से वो मिल जाएगा। प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। वंस यू हैव कम्प्लीटेड टाइपिंग, टाइपिंग जब कम्प्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यू मे वॉन्ट टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट, तब हम लोग उसका प्रिंट लेना चाहेंगे ना, विद द हेल्प ऑफ द प्रिंट पेन। इसके लिए हम लोगों को क्या, प्रिंट ऑप्शन का मदद लेना पड़ेगा। यू कैन प्रीव्यू एंड प्रिंट ए डॉक्यूमेंट इन वर्ड, हम लोग जो डॉक्यूमेंट लिखे हैं उसका एक प्रीव्यू देख सकते हैं, पहले से देख सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट किस तरह से है, सही से लिखा है कि नहीं, किस तरह से वो
आ सकता है प्रिंट होके, सब देख के तब हम लोग प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करने के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। क्लिक ऑन द फाइल टैब, उस फाइल को खोलना पड़ेगा, तब एक व्यू आएगा। क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे, द प्रिंट पेन विल अपीयर, फिर प्रिंट पेन ओपन हो जाएगा। नेविगेट टू प्रिंट पेन, देन सिलेक्ट द डिजायर प्रिंटर, फिर वहां से हम लोग प्रिंटर चूज करेंगे किस प्रिंटर में प्रिंट करना है, कितना नंबर ऑफ कॉपीज होगा और बाकी सेटिंग चूज करेंगे, कितना पेज होगा, किस तरह से आएगा, सारा कुछ इसमें सेट करेंगे। फिर हम लोग क्लिक ऑन प्रिंट बटन, प्रिंट बटन में क्लिक कर देंगे तो द डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग वर्ड और क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, आप हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं या एग्जिस्ट करना चाहते हैं, फिर से लिखना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, वंस यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू विल नीड टू एग्जिस्ट वर्ड एप्लीकेशन। अच्छा, बाहर जाना चाहते हैं, अगर हम लोगों को डॉक्यूमेंट बंद करके बाहर जाना है, एग्जिट करना है, बाहर निकालना है किसी डॉक्यूमेंट से, तो क्या करेंगे, वंस यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू विल नीड टू एग्जिट वर्ड एप्लीकेशन टू क्लोज द डॉक्यूमेंट और एग्जिट फ्रॉम वर्ड एप्लीकेशन। अगर हम लोगों को उस डॉक्यूमेंट से बाहर जाना है, बाहर निकालना, एग्जिट मतलब बाहर निकालना, बाहर निकालना है तो या तो बंद करना है, तो क्या करना पड़ेगा देख लो। क्लिक ऑन द फाइल टैब, फाइल टैब में क्लिक करेंगे, एक साब मेनू आएगा, ये साब मेनू विल अपीयर। क्लिक ऑन द क्लोज ऑप्शन, वहाँ पर जाके हम लोग क्लोज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो बंद हो जाएगा, नहीं तो क्लिक ऑन द क्रॉस बटन, एकदम कोने में जो क्रॉस बटन रहता है एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो के एकदम कोने में, उसको हम लोग क्लिक कर देंगे तो भी हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। इफ यू हैव नॉट सेव योर वर्क बिफोर एग्जिस्टिंग, अगर बाहर निकलने के पहले हम लोग उस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किए हैं तो वर्ड प्रॉम्प्ट्स यू टू सेव, तब एक ऑप्शन आएगा कि सेव करना चाहते हो, अगर सेव करना चाहते हो तो येस करोगे, नेम दोगे तो वो फाइल सेव हो जाएगा। क्लिक ऑन येस टू सेव द चेंजेस और क्लिक ऑन नो टू कैंसिल द चेंजेस और क्लिक ऑन कैंसिल टू रिटर्न टू द वर्ड। अब इसमें से तुम्हें जो ऑप्शन तुम्हें पसंद होगा, अगर तुम्हें सेव करना है तो येस करोगे, सेव नहीं करना है तो नो करोगे, हाँ, और नहीं तो कैंसिल करोगे, तो तुम वर्ड से बाहर आ जाओगे और तुम उस जिस विंडो पे काम कर रहे थे उससे तुम बाहर आ सकते हो।